हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है गोबर की खाद ये सेवंती में डालने वाले हैं। जब इन पर बर्ड्स आ जाती हैं तो इनके लिए जो है हमको थोड़ा सा गोबर की खाद, सॉरी ये तो पौधा निकल गया, देखिए इसमें से ये न्यू इस तरीके से ये पप्स निकलते रहते हैं इसमें सेवंती में। तो जो है फ्रेंड्स, आज हम गोबर की खाद वाला जो है इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। और अभी हमने थोड़े दिन पहले इसमें मस्टर्ड केक भी डाला था। तो फ्रेंड देखिए, इसमें बड्स बनना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड, जब बड्स बनना स्टार्ट होती है तो और हैवी फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है इनको। तो हम इसमें गोबर की खाद डालेंगे। अभी 8 दिन पहले इसमें मैंने सरसों की खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है। तो इसी तरीके से आप भी जो है विंटर में अपने ये अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये सब फर्टिलाइज़र डालते रहिए और फ्लावरिंग पाते रहिए फ्रेंड्स। और देखो, आज जो है मैंने एक काम और किया है। मेरा मनी प्लांट है, अभी तो डोरमेंसी पीरियड है इनका, बट जो है इनको मैंने पहले से तैयार कर दी। देखिए कितनी अच्छी गोबर की खाद इसमें भी सब डाली हुई है और पूरी सॉइल जो है इसकी चेंज की, देख रहे हैं पड़ी हुई है। इसमें पूरे में हो गई थी चींटियाँ फ्रेंड्स, चींटियों से मतलब नहीं है मुझे, चींटियाँ तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था इस प्लांट को क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना था। तो इसमें पानी जो है कम डाला था, इस वजह से जो है उनको जगह मिल गई, ये ध्यान दे नहीं रहा था इस वजह से। तो अब हमने इसको कर दिया आज अच्छे से रिपोर्ट, पूरी सॉइल इसकी हटा कर और पूरी इसकी रूट्स सब फेंक दी मैंने। और रूट्स फेंकने का जो जो मुझे चाहिए थे वो लगा दिए मैंने कटिंग, देखिए ये। और अब हम आगे जो है फरवरी से इसका अच्छे से देखेंगे। तो आप भी इस तरीके से अभी कर सकते हैं, फिर आगे इसमें आपको फरवरी में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। ये स्टिक लगा दी है इसमें, देखिए खुद से ही मैंने जैसे पान की वाइन बनाई थी ऐसे ही स्टिक में इसमें लगा दिया है। आप भी इस तरीके से सभी अभी प्लांटर में और जो है गुड़ाई करके और ये इसमें गोबर की खाद डाल लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि आपको फ्लावरिंग अच्छी चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें कल वाटरिंग की थी, अभी तक नमी है, देखिए कितना अच्छा गीला हो रखा है। तो हम इस तरीके से जो है प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि छोटे छोटे पप्स निकले हैं आप देख रहे हैं। तो बस रूट से कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ये है सेवंती को इतना दिक्कत नहीं होती है। अभी जो है इसका सीज़न है, बहुत अच्छे से प्रोपोगेशन होती है इसका। तो हमने इसको अच्छे से हिला हटा दिया, तो हम इसको अच्छे से पूरा हटा लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मैंने इसको पॉट से निकाल लिया है। अब बड़े बड़े पॉट में रहे तो आप ऐसा ना काम करें, ये तो छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, 6-6 इंच के पॉट हैं ये। देखिए मैं इसको दिखाती हूँ प्लांट को, देखिए इस तरीके से। तो जो है सैंडी इसकी सॉइल होनी चाहिए, कभी भी आप लगाएं तो इसकी सैंडी सॉइल होना चाहिए। अब हम इसको देखिए इस तरीके से, जब भी आपके यहाँ भी छोटे छोटे पॉट में लगाएं थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, और बड़े में आप लगाएंगे तो आपको साइड से बस करके और कुछ नहीं गोबर की खाद डाल दीजिए। तो इसमें हम ये सॉइल को हटा लेते हैं और ये सॉइल को हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। इसमें नीचे पड़े हुए थे पत्थर, आज इसमें सब में मुझे जो है चींटियों के लिए वो दवा डालनी पड़ेगी क्योंकि देख रहे हैं आप कुछ कुछ चींटियाँ भी निकल के आ रही हैं। तो अब हम इसमें देखिए इतनी गोबर की खाद डाल देते हैं। रूट्स को भी हम थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं। सेवंती जो है फ्रेंड्स बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये जो रूट्स कट की हैं ये वाली सॉइल भी उठा के इसी में डाल देते हैं। और इसमें इसको नीचे देखा आपने, मैंने गोबर की खाद अच्छे से डाल दी है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों पॉट्स में गोबर की खाद डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे फंगीसाइड, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये चींटियों को बिल्कुल भगा देता है, बहुत ही अच्छा है ये।
चींटियां इसमें से भाग जाएंगी अभी। तो ये इस तरीके से हम इसको उठा के इसमें हम रख देते हैं गमले में, और साइड से जो हमने ये हट गई है तो यहाँ पर हम मिट्टी अभी फिर से डाल देंगे गोबर की खाद मिक्स करके। देखिए दूसरा पॉट की भी मैंने रूट्स पूरी, देख रहे हैं अच्छे से कट कर दिया है ये प्लांट, क्या थोड़ा इनके प्लांटर बड़े बड़े होना चाहिए। तो ये देखिए इसको हमने इस तरीके से रख दिया है दोनों में, इसको इस तरीके से टैप करेंगे हम। जब भी कोई हम पॉट रिपॉट करते हैं तो इसमें सेट कर देना चाहिए उसको। तो ये हम थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद मिला लेते हैं। तो ये सॉइल अब हम इसके थोड़ी ऊपरी ऊपरी ऊपर की तरफ लेयर एक इसकी बिछा देते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर देंगे। अब हम इसके फ्लावर्स देखेंगे कितने अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा ओवर रूट्स नहीं कट करना, आपने देखा मैंने किस तरीके से किए हैं। अब डर रहे हैं, न्यू हैं, फर्स्ट टाइम पॉट वॉट लगा रहे हैं प्लांटर्स घर में, तो ऐसा ना करें क्योंकि फ्रेंड्स हम तो ये हमें तो बचपन से ही आदत है ये सब प्लांटर्स तैयार करने की, बहुत शौकीन हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको दूसरे वाले को भी लगा देते हैं, हम टैप कर देते हैं। हो चुके हैं रेडी, आप भी इस तरीके से फ्रेंड्स अपने पॉट्स को रेडी कर सकते हैं। और बर्ड्स देखिए कितनी अच्छी आ रही हैं इनके ऊपर, तो ये येलो कलर के हैं और वाइट वाले पहले खिल चुके हैं, येलो वाले जो है वेट कर रहे हैं येलो सेवंती फ्लावर्स खिलने के लिए। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट करने के बाद अब हम इनको रखेंगे शेडेड एरिया में और इनको कल ही जो है मॉर्निंग की धूप में रख देंगे। और तो फिर ये अपना जो है डेली का धूप में जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। फ्रेंड्स अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आती रहेगी। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ कुकिंग की प्लांट्स की सब आती रहेंगी, सब आप देखते रहिए, इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।